एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप तक शेयर करने वाली हूँ 10 कॉम्पैक्ट पाउडर अंडर ₹200। सो या फिर ये कह लो कि मेरा कॉम्पैक्ट पाउडर का कलेक्शन, सो जो भी आप समझ लो। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। और जिन्होंने किया हुआ है उनको बहुत बहुत थैंक यू। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले न्यू हो तो अब इस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो मैं आपको यहाँ पर 10 कॉम्पैक्ट पाउडर दिखाऊंगी जो कि आते हैं अंडर ₹200 और बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल और बहुत ज़्यादा अच्छे भी हैं। ऐसा नहीं है कि बेकार हैं, बहुत अच्छे हैं। जो बेकार सा होगा, थोड़ा बहुत मतलब लोअर होगा, वो मैं आपको बता दूंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो अपनी। तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर ये है LE18 का लॉन्ग लास्टिंग ग्लो कॉम्पैक्ट पाउडर और ये आता है ₹100 का। एंड जो शेड है वो मेरा इसमें वो है 03 शेल और ₹100 का कॉम्पैक्ट है। 9 ग्राम का प्रोडक्ट है और 034 इसमें शेड्स आते हैं जो कि इंडियन स्किन टोन के हिसाब से बहुत सही हैं। इसका मैंने सेपरेट रिव्यू डेमो आपका शेयर किया है, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ आप देखिएगा। मैं यहाँ पे कार्ड्स में लगा दूंगी ऊपर स्क्रीन पे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी उसका, तो देख सकते हो आप वहाँ से। सेकेंड जो कॉम्पैक्ट है वो है फेसेस कनाडा का वेटलेस स्टे मैट कॉम्पैक्ट, SPF 20 है, विटामिन ई है, शिया बटर के साथ आता है। अगेन 9 ग्राम का प्रोडक्ट है और ये है 199 का। इसमें मेरा शेड है Natural 2 और बहुत अच्छा कॉम्पैक्ट है यार। दो तीन मेकअप लुक्स में मैंने इसे यूज़ किया एंड ये जो मेकअप लुक आप देख रहे हो वो मैंने LE18 का कॉम्पैक्ट इसमें यूज़ किया था। सो ये है फेसेस कनाडा का कॉम्पैक्ट 199 का। एक्चुअली सेल में मैंने 157 या 151 का लिया था, 150 के अंडर ही था, मतलब ऐसा था सेल लगी तब मैंने लिया था, तो 150 रुपये में आपको मिल जाएगा। सेकंड कॉम्पैक्ट हो गया फेसेस कनाडा का। थर्ड जो है वो है NYBA का कॉम्पैक्ट पाउडर जो कि सच बताऊँ इतना ज़्यादा खास पसंद नहीं है, क्योंकि मैं क्या करती हूँ ब्रश से प्रोडक्ट लेती रहती हूँ और वो आता ही नहीं है। कुछ तो ऐसा होता है बहुत ज़्यादा पाउडरी होते हैं, बहुत ज़्यादा चौकी होते हैं कॉम्पैक्ट पाउडर, बट ये तो ऐसा है कि जैसे कि बहुत ज़्यादा ऐसे रगड़ोगे ना तब जाके आपकी फिंगर पे भी आएगा, तो ये मुझे इतना खास पसंद नहीं है। लेकिन शायद मैंने इसका रिव्यू डैमेज शेयर किया था, आप देख लेना, उसमें मैंने बता रखा है। बाकी इतना खास मेरे को पसंद नहीं आया, जैसे जैसे मैं इसे यूज़ करती गई ना वैसे वैसे ये मुझे पसंद नहीं आया इतना। बाकी ठीक है, इतना भी बुरा नहीं है कह सकती मैं इसे इतना बुरा। ये का कॉम्पैक्ट है, लाइक SPF मिल जाता है 40 में एंड ये आता है इसका प्राइस जो है वो होगा इसके अंदर, इसका प्राइस यार इसका प्राइस कहाँ गया, हाँ इसका प्राइस है ₹150 और इसका जो 9 ग्राम का प्रोडक्ट है अगेन एंड इसका जो मेरा शेड है वो है क्यून्स वार्म हनी लुक 5। इसमें बहुत सारे शेड्स आते हैं, बहुत बड़े बड़े शेड नंबर होते हैं, तो मेरा शेड है 5 एंड चलो मैं आपको दिखा देती हूँ। इसका जो पफ है ना वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, तो देखो मैंने ऐसे ही रखा हुआ है इसको और बहुत ज़्यादा रगड़ने पर आपको प्रोडक्ट मिलेगा, तो ये चीज़ मुझे थोड़ी इसकी खास पसंद नहीं आई। बाकी ठीक है, लगाने पे लग जाता है लेकिन जैसे एकदम से पिक हो जाता है ना प्रोडक्ट, वैसे वाली इसमें बात नहीं है। अगला जो प्रोडक्ट है वो है ये लैक्मे सन एक्सपर्ट SPF 40 मिल जाता है, UVB UVA अल्ट्रा मैट कॉम्पैक्ट नॉन स्टिकी सन प्रोटेक्शन। बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे और समर्स के टाइम पे मस्ट है ये कॉम्पैक्ट, आपके पास होना चाहिए। ये आता है 210 का, बट इन सेल आपको ₹200 मिल जाएगा। मेरा इसमें शेड वेड इसमें शायद शेड्स आते नहीं हैं, ये एक ही आता है इसमें जहाँ तक मुझे लग रहा है, इसमें पता है मुझे, तो मुझे ये कॉम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पसंद है। लक्ष्मी के मेरे पास 2 कॉम्पैक्ट हैं, सो इस तरह का कुछ ये दिखता है और बहुत सारे यूट्यूबर्स के पास में आपने इसे देखा होगा, बहुत लोग इसको लगाते हैं अपनी वीडियो में यूज़ करते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है ये। नेक्स्ट ये हो गया, नेक्स्ट जो है वो भी लक्ष्मी का ही है, वो है लैक्मे एब्सोल्यूट परफेक्ट रेडियंस स्किन लाइटनिंग कॉम्पैक्ट SPF 23 है, UVB UVA प्रोटेक्शन है इसमें और SPF होता है तो बहुत अच्छा रहता है कॉम्पैक्ट पाउडर में। अगेन अंडर रुपीज़ 200 है, 185 का प्रोडक्ट है और 8 ग्राम का प्रोडक्ट मिलेगा आपको, 185 इसका प्राइस है। एंड जैसे ही मैंने लिया ना इसको, मतलब यूज़ किया उसी दिन इसका ये यहाँ से मिरर निकल गया, पता नहीं कि अच्छे से स्टिक नहीं था वो, अच्छा हुआ नीचे नहीं गिरा, लेकिन मैं उसको ग्लू गन की हेल्प से चिपका लूँगी। सो ये मेरा जो शेड है वो है मेरा शेड
मेरा शेड है 03 गोल्डन मीडियम। सो इसमें बहुत सारे शेड्स आते हैं आई थिंक, तो आप अपनी स्किन टोन के हिसाब से ले सकते हो। गोल्डन मीडियम मेरा शेड है, आप चाहे तो मेरी शेड का भी ले सकते हो, आप मेरी स्किन टोन वाले हो तो। नेक्स्ट जो कॉम्पैक्ट पाउडर है वो मैंने अभी अभी लिया है पर्पल का, पर्पल बी योर ओन BFF कॉम्पैक्ट विथ SPF। SPF कितना मेंशन नहीं है इस पर, बट है ठीक है चलो। नेक्स्ट इसमें ये मेरा प्रोडक्ट है ₹199 का, 9 ग्राम का प्रोडक्ट है। ये सारे कॉम्पैक्ट पाउडर ना 8 ग्राम और 9 ग्राम के ज़्यादा है, लाइक इतने ही आते होंगे। एंड 199 का प्रोडक्ट है, न्यू बाय प्रोडक्ट है मेरा। इसमें मेरा शेड है आइवोरी सेल्फ केयर वन। सो आपको अगर इनके शेड नेम्स समझ नहीं आ रहे तो मैं स्क्रीन पे इनके साइड बाय साइड नेम मेंशन कर दूंगी, जो भी होंगे आपको अगर पसंद आता, आपको अगर लगता है कि हाँ ये ठीक रहेगा तो आप ले सकते हो। आइवोरी सेल्फ केयर, लाइट गई। तो गाइज यहाँ पर लाइट चली गई है, मुझे नहीं पता कब आएगी, 2 बजने वाले हैं और मैं नहीं रुक सकती, मतलब इतनी देर नहीं रुक सकती, थोड़ा वो और भी काम है मुझे, तो मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। थोड़ी सी लाइट की दिक्कत होगी, फेस अजीब सा लगेगा, बिकॉज सन लाइट है, वो भी खिड़कियों में से आ रही है, वो भी खिड़कियाँ बंद हैं, सन लाइट में कैसे दिखता है मेकअप आप देख लो। सो पर्पल का कॉम्पैक्ट हो गया था। नेक्स्ट जो है वो है ये ब्लू हेवन का एलिगेंस 2-in-1 कॉम्पैक्ट पाउडर, जो कि मैंने आज तक यूज़ नहीं किया। क्यों यूज़ नहीं किया, क्योंकि जब मैंने इसको मंगाया था तो मंगा लिया था, जब घर देखा मैंने इसको निकाल के, तो इसमें जो कॉम्पैक्ट में जो शिमर पार्टिकल्स थे, जो कि अब तो कोई नहीं लगाता है शिमर वाला कॉम्पैक्ट, कौन लगाता है, दिन में तो बिल्कुल भी नहीं लगा सकते, इवन रात में भी नहीं लगा सकते, वो पूरा फेस एकदम चमकदार सा हो जाता है, तो ये आजकल चल नहीं रहे हैं, बट इसमें शिमर है तो मैं इसको यूज़ ही नहीं कर पा रही, मैं कहाँ यूज़ करूँ इसको। और ये मुझे थोड़ा टूटा हुआ भी मिला था, तो ये इस तरीके का दिखता है, पैकेजिंग बहुत अच्छी है, और ये देखो बिल्कुल नया का नया रखा है, मैंने यूज़ ही नहीं किया। और इसमें 2 मिलता है, 2-in-1 है ना, 2 मिलते हैं, तो दूसरा था वो मुझे टूटा हुआ मिला था, तो वो मैंने ऐसी किसी डिब्बी में भर के रख दिया है, एंड तो ये ऐसे ही मुझे मिला था, और मैं इसको मतलब मैंने ऐसे ही रखा हुआ है, मैंने इसे यूज़ ही नहीं किया आज तक। एंड जो प्राइस है वो है 165। खुशबू इसकी बहुत अच्छी है, परफ्यूम से कम नहीं है किसी। 165 का प्रोडक्ट है, और मेरा जो शेड है वो है ब्लश, हाँ ब्लश मेरा शेड है इसमें, तो इसे ना ही लो तो अच्छा है, क्योंकि इसमें शिमर है यार, तो शिमर कौन लगाता है आजकल, मतलब फाउंडेशन कॉम्पैक्ट में शिमर कौन लेता है आजकल। सो नेक्स्ट जो कॉम्पैक्ट है वो है मेरा ओलिविया का पाउडर कॉम्पैक्ट, 100% ऑयल फ्री है, क्लेम करता है ये, मैट लुक देता है, यानी कि आपको 100 रुपीज़ में आपको किसी भी शॉप पर मिल जाएगा, बहुत अच्छा है यार, मैंने काफ़ी वीडियोज़ में इसको यूज़ किया, बहुत अच्छा लगता है ये मुझे। एंड मेरा जो शेड है गाइज वो है मेरा जो शेड है वो है ये नेचुरल पीच, 03 नेचुरल पीच है मेरा शेड। इसमें बहुत सारे शेड्स आते हैं इसमें, तो बहुत अच्छा है ये भी। नेक्स्ट है जो मेरे पास वो है ये मेबलिन का न्यूयॉर्क का कॉम्पैक्ट, मेबलिन वाइट सुपर फ्रेश कॉम्पैक्ट, जो कि मेरे पास सिर्फ पैकेजिंग ही रह गई है। पैकेजिंग क्यों रह गई, क्योंकि जब मैं घूमने गई थी, वेस्ट टू वंडर का व्लॉग मैंने बनाया था, तब आपने शायद नहीं देखा होगा, उस टाइम मेरी फ्रेंड्स आए थे, हम लोग बाहर घूमने गए थे, वेस्ट टू वंडर गए थे हम लोग, तो हम थोड़ा सा मेकअप का सामान लेके गए थे, सभी लड़कियां लेके जाती हैं ये ना कॉम्पैक्ट पाउडर, थोड़ा सा कर लो अच्छे से, फोटोज अच्छी आती हैं, तो हम लेके गए थे सब कुछ, तो मैंने ये कॉम्पैक्ट पाउडर मेरी फ्रेंड के पास रह गया था, पम्मी आप लोग जानते हो, आपने मेरी वो वाली वीडियो देखी होगी, तो दो फ्रेंड्स आई थी मेरी, सोना और पम्मी, तो पम्मी के पास रह गया था, बाद में मेरे को कॉल करती है, तेरा कॉम्पैक्ट मेरे पास में रह गया, मैंने कहा लॉकडाउन स्टार्ट हो गया तो उसी टाइम से, तो क्या कर सकते हैं, तू रख अपने पास तो यूज़ कर ले। तो मेरे पास ये कॉम्पैक्ट था बट अब नहीं है, तो मैंने यूज़ कर रखा है, बहुत अच्छा है। शेड है मेरा कोरल शेड है मेरा। और नेक्स्ट जो कॉम्पैक्ट पाउडर है वो पसंद तो है मुझे, ब्लू हेवन का है, पसंद तो काफ़ी है, लेकिन टूट गया है, जैसे कि ये है ब्लू हेवन के आर्टिस्टों का फेस लाइट आ गई, थैंक यू भगवान जी। ब्लू हेवन का आर्टिस्टो फेस स्टाइलेट कॉम्प्रेस्ड पाउडर ये है। मेरा शेड जो है वो क्रीम बीज और 105 का, 105 रुपये का आपको मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, बहुत सही कॉम्पैक्ट है, मैंने बहुत स्टार्टिंग में जब वीडियो करती थी तब बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। तो फ्रेंड्स ये थे
10 कॉम्पैक्ट पाउडर अंडर ₹200, या फिर ये कह लो कि मेरा जो कॉम्पैक्ट पाउडर का कलेक्शन, जो भी आप इसे बोलना चाहो। अगर ये वीडियो आपके लिए इतनी सी भी हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और कुछ और वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ वो भी कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कर सकते हो। और हाँ, एक और चीज़ मुझे कहनी थी, एक सेकेंड, मुझे एक चीज़ आपसे बोलनी थी। मेरे को एक्चुअली नाम याद नहीं रहता, जो मुझे अच्छे लगते हैं ना, जो मुझे प्यार करते हैं, मुझे उन्हीं के ही नाम याद रहते हैं। सो एक चीज़ मैं जल्दी खुल जाए यार, एक मिनट, मुझे एक कॉमेंट था एक्चुअली, वो मैं आपको, हाँ ये हैं भाई साहब या बहन जो भी है, मुझे नहीं पता, ये शरोफ सदाफ, शरोफ सदाफ है। और ये है मेरी वीडियो जो मैंने रिव्यू डेमो दिया था ना, पर्पल मेकअप लुक, अभी मैंने शेयर किया पर्पल वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक, उसमें ये इन्होंने शरोफ जी ने कोई मैसेज किया है कि आपका मेकअप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, वर्स्ट मेकअप आर्टिस्ट हो आप, फलाना हो ढिमकाना हो, पता नहीं क्या क्या इन्होंने मुझे बोला, कि उन्होंने गंदी गंदी वहाँ पे इमेज भी लगाई है ना। सच बताऊँ तो आप देख सकते हो जाके, वहाँ पे पॉटी वाली इमेज होती है ना, वो वाली लगा दी वहाँ पे। एंड पता नहीं यार उनको मेरे से क्या प्रॉब्लम है, मैंने क्या बिगाड़ दिया यार उनका, एक ही मतलब मेरे को आपने सामने से देखा, वीडियो में देखा, ऐसे तो ये मुझे जानते भी नहीं, वीडियो में इन्होंने मुझे देखा है, और इतनी नफरत हो गई यार, मैंने ऐसा क्या कह दिया, मैं तो इतना स्टाइल भी नहीं मारती, और मारती हूँ तो मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरे मुझे प्यार करते हैं, उनको पसंद आता है, वो पसंद करते हैं मुझे, स्टाइल भी मारती हूँ, वैसे तो मैं मारती नहीं इतना स्टाइल। तो क्यों आपको मेरी वीडियोज़ पसंद नहीं, तो भाई आपको मेरी वीडियो नहीं पसंद आती प्लीज़ मत देखो, मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करी हूँ, मत देखो, लेकिन इतने गंदे कमेंट्स मत करो, क्योंकि दिल पे लगती है ये चीज़, और बहुत बुरा लगता है। आपको क्या पता कि एक कमेंट पढ़ के पूरा दिन ख़राब हो सकता है, आपको नहीं पता, आप तो करके चले जाते हो, उल्टा सीधा आप लिख के चले जाते हो, लेकिन जब मैं पढ़ती हूँ ना, अब तो मैंने खैर छोड़ दिया इन चीज़ों पर माइंड करना, मैं सोच रही थी इसकी एक सेपरेट अलग से वीडियो बनाऊँ, इनको बताऊँ मैं, बोलूँ मैं, लेकिन क्या फ़ायदा यार, क्या फ़ायदा इन लोगों, ऐसे लोगों को बोल करके। सो प्लीज़ अगर आपको नहीं पसंद आती, प्लीज़ मेरी वीडियो मत देखा करो, ये गंदे कमेंट्स करना छोड़ दो, लोगों को डीमोटिवेट करने के अलावा और भी कोई काम है दुनिया में तो वो करो, प्लीज़ ये सब मत करो। दूसरे को बुरा लगता है, आपको कुछ कुछ कहेगा तो आपको भी बुरा लगेगा, तो प्लीज़ मत कहा करो ऐसे, वीडियो नहीं अच्छी लगती प्लीज़ मत देखो, मैं नहीं कहती आओ मेरी वीडियो देखो, जिनको मेरी वीडियो अच्छी लगती है वो मेरी वीडियो देखते हैं। सो प्लीज़ वीडियो मत देखो, ना ही गंदा कमेंट करो, मैं आपको वॉर्न कर रही हूँ या रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप जो भी इसे समझ सकते हो। तो चलो मूड नहीं ख़राब करते हैं, अभी और भी वीडियोज़ और भी काम है मुझे आगे। तो ये थी मेरी वीडियो इन कॉम्पैक्ट पाउडर के ऊपर, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।